हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. हमारी जो पेडागोजी की क्लासेस चल रही है उसके अंदर ऑलमोस्ट हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं. मैंने करिकुलम का सारा टॉपिक कवर कर दिया है. सेकेंड हमारा आज का टॉपिक है प्लान्स, यानी कि परियोजना. ठीक है, प्लान्स से रिलेटेड आपके मतलब प्लान्स जब हम शब्द सुनते हैं, ये वर्ड सुनते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? किसी चीज़ के लिए प्लान करना. ठीक है, तो इसका टीचिंग पर्पस में क्या चीज़ है वो बात कर लेते हैं. अब आप टीचिंग करवाने जा रहे हो, एज अ टीचर क्लासरूम में जाओगे तो पहले से कुछ प्री प्लान करके जाओगे ना कि आपको क्लास में क्या पढ़ाना है, कितने टाइम में कोई चीज़ ख़त्म करनी है, कैसे पढ़ानी है, उससे रिलेटेड आप मेथड क्या यूज़ करोगे, स्किल्स क्या यूज़ करोगे, क्वेश्चनिंग कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्लान करना. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मुझे पॉल्यूशन के बारे में बच्चों को क्लास में पढ़ाना है तो उसके अंदर मैं पहले से ही क्या करूँगी, प्लान कर लूँगी कि मेरा टॉपिक क्या है, क्या पढ़ाना है मुझे पॉल्यूशन, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि बच्चे पॉल्यूशन के बारे में जान जाएंगे, टाइप ऑफ पॉल्यूशन जान जाएंगे, अपने आसपास अगर कभी पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई चीज़ें देखेंगे तो उसको क्लासिफाई कर पाएंगे, और पॉल्यूशन ना फैले हमारे एनवायरनमेंट में वो चीज़ दे मतलब बच्चे कर पाएंगे कि ये चीज़ें हमें करनी है कि इससे पॉल्यूशन कम होगा और ये चीज़ें नहीं करनी है इससे पॉल्यूशन बढ़ता है. ठीक है, वो चीज़ें सीख पाएंगे. ये क्या किए, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए. उसके बाद क्या किया कि बच्चे के साथ डिस्कस किया, या जब मैं पढ़ाऊँगी तो पॉल्यूशन से रिलेटेड मैं कैसे कैसे पढ़ा सकती हूँ, मैं बच्चों को चार्ट दिखा सकती हूँ और डिस्कशन मेथड के थ्रू पढ़वा सकती हूँ, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकती हूँ कि आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं धुआं, या फिर आपके आसपास घरों के पास फैक्ट्रीज होंगी तो वो किस टाइप का पॉल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर सकती हूँ. तो वहाँ पर क्या आ गई, वहाँ पर सारे मैथड्स आ गए कि आपको कौन कौन से मैथड यूज़ करने हैं पढ़ाते टाइम, स्किल कौन कौन सी यूज़ करनी है पढ़ाते टाइम. ठीक है, उसके बाद आ जाता है इवैल्यूएशन. फिर इवैल्यूएशन में क्या होगा कि आप जब पॉल्यूशन के बारे में बच्चों को पढ़ा देंगे तो आप इवैल्यूएट करेंगे क्वेश्चनिंग करके कि उनको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, उनसे चार्ट मेकिंग करवा सकते हैं, या फिर उनसे एग्जांपल पूछ सकते हैं कि अच्छा मुझे कोई पांच चीज़ें ऐसी बताओ जिनसे हम पॉल्यूशन फैलने से रोक सकते हैं, या फिर ऐसे पांच रीजंस बताओ जिसके कारण पॉल्यूशन फैलता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्लान्स होते हैं. अब उसके अंदर हमने टाइप डिवाइड किए हुए हैं जो हमारे प्लान्स हैं, उसमें हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट हो गया आपका लेसन प्लान, यानी कि एलपी यानी कि पाठ योजना. ठीक है, उसके बाद आ गया यूनिट प्लान यानी कि इकाई योजना, उसके बाद थर्ड आ गया आपका ईयर प्लान यानी कि वार्षिक योजना. ठीक है, ये थ्री टाइप्स के इसके अंदर प्लान्स होते हैं आपके. मतलब यूनिट प्लान्स में क्या होता है, आपने यूनिट टेस्ट देखे होंगे, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स यानी कि इकाई बांट दी जाती है. ये हो गया आपका पाठ योजना. ठीक है, ये थ्री टाइप्स ऑफ हमारे प्लान हो गए. ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा एलपी यानी कि लेसन प्लान. इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा एलपी क्या होता है. देखिए, जब आप क्लासरूम के अंदर टीचिंग करवाने जाते हैं, ये सारी हमारी क्लासरूम टीचिंग से इफ़ेक्टिव है, मतलब क्लासरूम टीचिंग के लिए ये चीज़ें हम प्लान करते हैं पहले से. तो जब भी हम एलपी का यूज़ करते हैं यानी कि पाठ योजना, पाठ से मतलब जो आपको लेसन पढ़ाना है. ठीक है, पाठ योजना होता है जो आपका लेसन है यानी कि पाठ है, तो उसके बारे में प्रिपेयर करना. आप कोई भी पाठ पढ़ा सकते हैं क्लासरूम में, कोई भी चैप्टर पढ़ा सकते हैं, मैथ्स का, साइंस का, होम साइंस का, मतलब जो भी आपको कंटेंट पढ़ाना है, जैसे पॉल्यूशन पढ़ाने हैं, या फिर आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ाना है, या हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ाना है, मुगल साम्राज्य और ये सब, वो क्या हुआ आपका लेसन हुआ. ठीक है, अब लेसन यानी कि लेसन प्लान में आपको क्या करना है, उस लेसन के बारे में आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है पहले से कि एक पर्टिकुलर लेसन को आप कैसे पढ़ाएंगे. ठीक है, उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग के अंदर की पॉइंट्स रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे. तो पाठ योजना में फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट आ गया आपका ऑब्जेक्टिव
यानी कि उद्देश्य, ठीक है। सबसे पहले आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे पाठ योजना के, कि मुझे लेसन प्लान मान लीजिए पॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़ाना है, तो बच्चों को ये वाला पार्ट पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें उनकी नॉलेज में आ जाएंगी, क्या क्या चीज़ें नॉलेज से बाहर चली जाएंगी, या वो किसी चीज़ को क्लासिफाई कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप ऑब्जेक्टिव्स में रखेंगे। और दूसरी कि अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाएंगे, डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे, पॉल्यूशन से रिलेटेड वो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे कि मैम ने ये चीज़ बताई थी कि पॉल्यूशन को ऐसे रोका जा सकता है तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, इन चीज़ों से पॉल्यूशन पड़ता है तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के अंदर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर के अंदर आप क्या करेंगे लेसन प्लान में कि आप जो भी कंटेंट या जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम के अंदर, जो भी आपका लेसन है पार्ट है उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट मैटर में ये चीज़ रखनी है कि वो वाला टॉपिक उतना ही लिया जाए जितना कि एक क्लासरूम के अंदर वो कंप्लीट हो सके, मतलब उसको बीच में आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। पहले से ही अपने लेसन प्लान में भी उतना ही लेकर चलिए, ये नहीं कि लेसन प्लान आपने 2 घंटे से रिलेटेड बना दिया कि ये पढ़ा दूंगा ये पढ़ा दूंगा ये पढ़ा दूंगा, लेकिन क्लासरूम में जो आपका पीरियड लगता है वो आधे घंटे का लगता है तो आपने आधे घंटे की चीज़ अचीव करी, 1.5 घंटे की आपकी रह गई तो आप उसको कल पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें लेसन प्लान में अपने सब्जेक्ट मैटर में रखनी है जितनी आप एक पीरियड के अंदर बच्चों को पढ़ा सको, जितनी चीज़ें समझा सको। अगर उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बच भी है तो जब आप नेक्स्ट क्लास लोगे तो उसी का सेकंड टॉपिक डाल के यानी कि पॉल्यूशन का पार्ट 2 करके या पार्ट 3 करके बचा हुआ कंटेंट आप पढ़ा सकते हो, लेकिन आपको एलपी जो है प्री प्लानिंग जो करनी है उतनी ही करनी है जितना आप सब्जेक्ट मैटर के अंदर लेकर चलते हो, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया। ये मैं आपको एलिमेंट्स बता रही हूँ, पॉइंट बता रही हूँ, तत्व यानी कि लेसन प्लान जब आप पाठ योजना तैयार करोगे क्लासरूम में किसी भी लेसन को पढ़ाने के लिए तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे। तो फर्स्ट तो आप ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के लेसन प्लान बनाओगे, सेकंड कि सब्जेक्ट मैटर ध्यान में रखना है कि आपको कितना कंटेंट पढ़ाना है उतनी ही चीज़ें इंक्लूड करनी है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है, यानी कि विधियाँ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है कि आपको मेथड सेलेक्ट करने हैं कि आप किन किन मेथड से पढ़ाओगे। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है, अगर आपको क्लासरूम में पोल्यूशन पढ़ाना है तो क्या क्या मेथड आप पोल्यूशन से रिलेटेड शो कर सकते हो। आप चार्ट का यूज़ कर सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक दिखा सकते हो कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। आप वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड लाइक ऐसे दिखा सकते हो कि आपका जहाँ पे घर है या फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे तो उनसे रिलेटेड जो गंदा पानी बाहर जाता है या केमिकल्स आते हैं वो हमारे पानी में जब घुल मिल जाते हैं, नदियों में मिल जाते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन फैलता है, जो गायें और ये सब भैंस वगैरह पानी पीती है या ग्रामीण क्षेत्र में मतलब जो गाँव वगैरह विलेजेस होते हैं वहाँ पर नदी और इन सब का पानी यूज़ किया जाता है तो वो केमिकल अगर मिक्स हो जाता है तो वो वाटर पोल्यूशन हो गया तो उससे रिलेटेड हम लोगों को हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप चार्ट से दिखा सकते हो, स्लाइड्स या प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हो, एक फिल्म के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हो पोल्यूशन के बारे में। तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि जो आप डिस्कशन मेथड कर रहे हो मतलब डिस्कशन मेथड्स के थ्रू आप बच्चों के साथ पोल्यूशन डिस्कस कर सकते हो। लाइक उसमें क्या कर सकते हो, आप बच्चों से ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि आप जब स्कूल आते हो तो आप ट्रैफिक देखते होंगे तो आपको कुछ धुआं धुआं सा फील होता है क्या, कि वो चीज़ क्या है कि हम जब ट्रैफिक में फंसे होते हैं लोग अपनी गाड़ियाँ स्टॉप करके खड़े नहीं होते, इंजन चालू रहता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो सारा हमारा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। ये सारे आप एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या आपको मेथड सेलेक्ट करने हैं, स्किल और टेक्निक सेलेक्ट करनी है कि आपको किन मेथड्स के थ्रू वो वाला टॉपिक प्रॉपर वे में पढ़ाना है कि बच्चों को अच्छे से समझ आए और बच्चा उसको इजीली सीख जाए, ठीक है। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, फोर्थ पॉइंट,
यानी कि मूल्यांकन. इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपको लास्ट में चल के जब आप कंक्लूजन निकालोगे कि बच्चा ये टॉपिक पढ़ाने से रिलेटेड ये सारी चीज़ें सीख जाएगा, तो आपको क्वेश्चनिंग भी रखनी है कि आप इवैल्यूएट कैसे करोगे. क्लासरूम में डिस्कस करते हुए करोगे, बीच बीच में बच्चों से एक टॉपिक पढ़ा दिया कि मैंने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा दिया, तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 reasons दीजिए कि किन किन चीज़ों से वाटर पॉल्यूशन होता है, या 5 reasons दीजिए कि वाटर पॉल्यूशन हम कैसे कैसे रोक सकते हैं, या हमारी बॉडी को कैसे हार्मफुल होता है, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे हार्मफुल होता है. और फिर क्या है, थोड़े जब पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद भी आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको इवैल्यूएशन का भी लास्ट पॉइंट पे ध्यान रखना है कि आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ठीक है. ये 4 elements हो गए आपके पार्ट योजना यानी कि लेसन प्लान्स के, कि फर्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव सेट्स करने हैं, सेकंड सब्जेक्ट मैटर कि उतना ही लेना है कि जितना आपको कंटेंट एक पीरियड के अंदर पढ़ाना है, उससे रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड आपके मेथड्स और टेक्निक्स और स्किल्स क्या होंगी. देन आपको इवैल्यूएशन कैसे करना है कि किन किन चीज़ों से आप इवैल्यूएट बच्चे का चैप्टर कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़ पढ़ाई है तो बच्चे का इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है. अब इसके बाद बात करते हैं स्टेप ऑफ लेसन प्लान्स. आपने ये एलिमेंट्स ध्यान में रख के तो लेसन प्लान रेडी कर लिया, लेकिन आपके स्टेप क्या है. आप एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जब आप क्लासरूम टीचिंग करवाओगे, बाकी चीज़ें ध्यान में रखोगे, तो वो भी तो आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही करोगे ना, तो वो स्टेप क्या है. तो स्टेप ऑफ लेसन प्लान्स, ओके स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट है हमारा यानी कि स्टेप ऑफ LP लिख दिया मैंने शॉर्ट में, यानी कि लेसन प्लान आपका पार्ट योजना, उसका फर्स्ट पॉइंट है प्रिपेशन यानी कि तैयारी करना. आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है वो सिलेक्ट करना, कैसे पढ़ाना है वो सिलेक्ट करना, कितने टाइम में पढ़ाना है वो सिलेक्ट करना, कौन सी स्किल्स यूज़ करनी है वो सिलेक्ट करना, बच्चे क्या क्या ऑब्जेक्टिव गेन कर लेंगे वो सिलेक्ट करना, ठीक है. यानी कि प्री प्लानिंग करना आपको, किसी भी टॉपिक किसी भी लेसन प्लान रेडी करना, किसी भी पार्ट की तैयारी करना. कभी भी आप देखना, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी, चाहे आप पार्टी में भी जा रहे हो ना, तो आप क्या करते हो, रेडी होके जाते हो वहाँ पे, ठीक है, मेकअप शेकअप और ये सारी चीज़ें करके जाते हो, तो क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो ना पहले, रेडी होके जाते हो, ठीक है. खाना बनाते हो तो उसके लिए भी आप पहले प्री प्लान करते हो, रेडी करते हो सब चीज़ें, आज क्या बनाना है, कि ये आज आलू गोभी बनानी है तो आलू ले आएंगे, गोभी ले आएंगे, मसाले ले आएंगे, ठीक है. वो क्या किया आपने, प्लान किया कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डालनी है, ठीक है. आपको कुछ चीज़ स्टिच करवानी है, स्टिचिंग करवानी है कुर्ती वगैरह, तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करते हो, किस कलर का होना चाहिए, कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, क्या स्टिच करवाना है, कितने टाइम में स्टिचिंग होनी जानी चाहिए, मुझे कहाँ पहनना है, वो क्या करते हो, प्री प्लान करते हो. तो किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हो तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है तैयारी करना, प्लान करना. आप एग्ज़ाम में भी जब जाओगे तो तैयारी करके ही जाओगे, लर्न करोगे ना टॉपिक को, सब्जेक्ट को. आप अभी KVS का एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये चीज़ें क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर करके ही तो आप KVS का एग्ज़ाम देने जाओगे. ये तो नहीं बिना पढ़े एग्ज़ाम देने चले जाओगे और कंप्लीट आपका क्रैक हो जाएगा. आप ये सारी वीडियोस देखते हो, पढ़ते हो, बुक्स से पढ़ते हो, डिस्कस करते हो, तो क्या चीज़ कर रहे हो, वो आप प्लान कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तैयारी कर रहे हो उस चीज़ की. तो इसीलिए जब आप पार्ट योजना बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पार्ट योजना के लिए यानी कि लेसन प्लान के लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आप प्लान करोगे, ठीक है. सेकंड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, ठीक है. अब फर्स्ट आपको मैंने डिस्कस किया कि आपको प्रिपरेशन करनी है, पहले आपने सब कुछ चीज़ रेडी कर लिया किसी भी चीज़ के लिए, तो आपने अपने LPs यानी कि जो भी आपको पार्ट पढ़ाना है, कंटेंट पढ़ा रहे हैं, आपने प्रिपेयर कर लिया, रेडी कर लिया. उसके लिए फिर आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट्स करेंगे. अब ऑब्जेक्टिव क्या सेट करेंगे, कि बच्चे पॉल्यूशन के बारे में जान जाएंगे,
बच्चे अपनी डेली लाइफ में पॉल्यूशंस को जब देखेंगे तो उसको होने के लिए, मतलब उसकी रोकथाम के लिए कुछ करेंगे उसको, कि पॉल्यूशन ना बढ़े, ये क्या चीज़ें करनी चाहिए कि पॉल्यूशन इंक्रीज ना हो एनवायरनमेंट में, और जो हमारे लिए प्रिकॉशंस हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि हम पॉल्यूशन से बच सकें, वो चीज़ें करेंगे, और बाकियों को जिनको पॉल्यूशन के बारे में नहीं पता उनको, उनके साथ शेयर करेंगे अपनी नॉलेज, ठीक है। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेट कर लिए, और क्लासरूम के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, कि बच्चे के नॉलेज में इंक्रीमेंट हो जाएगा, नोन टू अननोन, अननोन टू नोन हो जाएगा, कि उसे ये चीज़ पहले नहीं पता अब हो गया, उसके बिहेवियर में चेंज हो जाएगा, वो टाइप ऑफ पॉल्यूशन जान जाएगा, उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकेगा, क्लासीफाई कर सकेगा, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट कर लिए। अब थर्ड स्टेप आता है आपका टेस्ट टू प्रीवियस नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान की जाँच। इतनी चीज़ आपने क्या करी, स्टाफ रूम में बैठ के आपने अपने LPs के अकॉर्डिंग सेट कर ली कि मेरा पार्ट क्या है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है। देन आपका थर्ड स्टेप क्या हुआ, आप क्लासरूम में गए, ठीक है। क्लासरूम में जाने के बाद आपका क्या स्टेप होगा, आप डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे कि ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हुए बच्चे आज हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे, पॉल्यूशन ये है, 3 types ऑफ पॉल्यूशन ये, उसको डिस्क्राइब कर देंगे और काम ख़त्म, पार्ट ख़त्म, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होगी, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है एज़ पर योर थर्ड पॉइंट, मतलब टेस्ट टू प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान की जांच करनी है। किसी भी पार्ट को पढ़ाने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप पॉल्यूशन पढ़ा रहे हो या कोई भी टॉपिक बच्चे के साथ शेयर कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उससे रिलेटेड बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसने कभी पोल्यूशन देखा है, उसको वाटर पता है, केमिकल्स पता है, फैक्ट्रीज पता है, तभी तो आप ये चीज़ क्या है बच्चों के साथ कोरिलेट करके पढ़ा पाओगे कि आज हम इसी से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, और बच्चे तभी समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप बच्चों के सामने बिल्कुल न्यू चीज़ एकदम प्रेजेंट करोगे जो उन्होंने कभी ना देखी, सुनी ना समझी, तो बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे कि मैम पता नहीं कौन से प्लैनेट की बात कर रही हैं, हमने तो कभी नहीं सुनी ये चीज़, ठीक है। तो इसीलिए आप बच्चे की पहले कंटेंट से रिलेटेड या अपने लेसन से रिलेटेड पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। जैसे कि अब आपको पॉल्यूशन पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, क्लासरूम के अंदर जाके पहले क्या करेंगे, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे कि बच्चे आप जब स्कूल आते हो तो आप रास्ते में अपनी बस के अंदर रहते हो, तो बस से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, वो पोल्यूशन निकलता है, जो बाकी ट्रैफिक में सिग्नल्स पे कार खड़ी होती हैं वो भी क्या है, कुछ ब्लैक ब्लैक धुआं रिमूव करती है अपने अंदर से, तो वो क्या होता है, धुआं होता है, या फिर कहीं आप आग जलती हुई देखते हो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो क्या है, एक तरह का पोल्यूशन है जिसको एयर पोल्यूट करता है वो हमारी, ठीक है। ऐसे ही आप वाटर पोल्यूशन के बारे में बता सकते हो, जो शोर शराबा होता है, किसी चीज़ से डिस्टर्बेंस होती है वो नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो। देन उनसे जब उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड आप ऐसे प्रॉब्लम्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे बच्चों के, देन आप उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो, अपने प्लान से रिलेटेड कर सकते हो लेसन से, कि आज इसी से रिलेटेड हम ये चीज़ पढ़ेंगे, पता है आपको इसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, और नॉइज़ पोल्यूशन क्यों कहते हैं, तो बच्चों को ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ ये चीज़ तो मैं रोज़ सुनता हूँ अपनी डेली लाइफ में, कि मैं अपने रूम के अंदर होता हूँ तो बाहर से बहुत आवाज़ आ रही होती है ट्रैफिक की, और कहीं पे शादी पार्टीज़ होती है तो डीजे की आवाज़ आती है सॉन्ग्स की, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, थर्ड पॉइंट के अंदर बच्चों की पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, पूर्व ज्ञान की जाँच करनी है कि आपके लेसन से रिलेटेड बच्चों की कितनी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण। अब इसमें क्या होगा, आपने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक कर ली, देन आप उसको अपने लेसन से कंटेंट कर दोगे, रिलेट कर दोगे कि आज हम ये चीज़ करेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो अपने लेसन की, कि आज मुझे पोल्यूशन पढ़ाना है, तो चलिए बच्चे आज हम पोल्यूशन पढ़ते हैं, ये इतने टाइप के पोल्यूशंस होते हैं, ये चीज़ होती है, आपने प्रेजेंटेशन बच्चे के अंदर, मतलब बच्चे के सामने कर दी। अब प्रेजेंटेशन में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे, बच्चों को चार्ट दिखा सकते हो, स्लाइड्स दिखा सकते हो, मूवीज़ दिखा सकते हो,
छोटी छोटी या डिस्कस कर सकते हो, जैसे आपने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करी डिस्कशन के थ्रू, ऐसे ही आप बाकी पोल्यूशंस के मतलब जो आपको पूरा अपना लेसन पढ़ाना है उससे रिलेटेड भी आप प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपको अपने लेसन से अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है कि आप उसको कैसे पढ़ाओ, डिस्कशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, चार्ट मॉडल्स के थ्रू या फिर लेक्चर मेथड के थ्रू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। एप्लीकेशन होता है बच्चों के थ्रू, यानी कि जो आपके लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब उनको, उनके सामने जब आपने प्रेजेंटेशन कर दी, बच्चों को नॉलेज गेन हो गई, उनको पता चल गया कि पोल्यूशन क्या है, कितने टाइप का होता है, हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसको अपनी अप्लाई करके देखेगा, यानी कि अनुप्रयोग करेगा, एप्लीकेशन करेगा। अप्लाई कैसे करेगा, आप बच्चों से उससे रिलेटेड चार्ट मॉडल बनवा सकते हो या बच्चों को बोल सकते हो कि चलिए आज हमने पोल्यूशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, अब आप मेरे को ये पांच एग्जांपल्स दीजिए या पांच रीजंस दीजिए जिससे पोल्यूशन फैलता है, या पांच रीजंस दीजिए जिससे पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फाइव रीजंस दीजिए जो हमारे बॉडी को पोल्यूशन कौन कौन सा इफेक्ट करता है वो या हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है, वो चीज़ें आप पूछ सकते हो। तो वो क्या कर रहा है, बच्चा अप्लाई कर रहा है, या आप उसकी सोसाइटी से रिलेटेड बोल सकते हो कि आपको अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ ऐसी दिखे कि वो चीज़ आपके लिए पोल्यूट मतलब पोल्यूशन फैला रही है या आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो आप उसके लिए कंप्लेन कीजिए, उसके लिए अवेयर रहिए, उसकी रोकथाम कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा फिफ्थ पॉइंट के अंदर, पाँचवा स्टेप जो है हमारा, उसके अंदर अप्लाई करके देखेगा, अनुप्रयोग करेगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट के अंदर आता है रेपिटेशनल यानी कि पुनरावर्ती। पुनरावर्ती क्या होती है, किसी चीज़ को रिपीट करना, ठीक है। जब आपने अपना लेसन प्लान पूरा पढ़ा दिया बच्चे को, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, नॉलेज टेस्ट कर ली, प्रेजेंटेशन दे दी, बच्चे ने अप्लाई करके भी देख लिया, मतलब आपने उनसे क्वेश्चनिंग करी कि ये चीज़ें बताओ, रीजंस दो, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, रीज़न क्या है पोल्यूशंस के, तो वो भी बच्चे ने क्या किया, अप्लाई करके आपको आंसर्स कर दिए। देन क्या है, आप पुनरावृत्ति करेंगे यानी कि रिपीटेशन करवाएंगे क्लास में दोबारा से कि पोल्यूशन क्या है, उसके टाइप क्या हैं, ये सारी चीज़ें, उसको हम, उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, उसको हम रोक कैसे सकते हैं, वो हार्मफुल कैसे है, रिपीटेशन आप कैसे करवा सकते हैं, आप बच्चों से खुद पूछ के यानी कि डिस्कशन के थ्रू करवा सकते हैं, या वही ब्लैक बोर्ड पे जो आप अपना कंटेंट मतलब पढ़ा रहे हैं वो आप रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, जब तक आप बच्चों को रिकॉल करने का मौका नहीं देंगे, रिवाइज करने का मौका नहीं देंगे, तब तक बच्चे के लिए वो परमानेंट नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से रिपीटेशंस में आप बच्चों से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आपका सेवेंथ पॉइंट, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। लास्ट में आप उस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे यानी कि उद्देश्य, एक तरह से इवैल्यूएशन, कि जो आपने उद्देश्य सेट किए थे, ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, वो बच्चे ने अचीव किए या नहीं किए, ये नहीं कि एक बच्चे ने अचीव कर लिया बाकी क्लास ऐसी ही बैठी है, पूरी क्लास को पोल्यूशन के बारे में पता चला, टाइप पता चले, उसको वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, यानी कि आपको निष्कर्ष पे पहुँचना है कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें प्लान की थी, लास्ट में बच्चों ने ये चीज़ें अचीव कर ली, आपको अपना लेसन प्लान क्लोज करना है, ठीक है। ये थे सेवन टाइप थे हमारे स्टेप ऑफ एलपीस, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बाद जो मतलब आपका स्टेप होता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना होता है, ऑप्शन में आपको दे देंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना, प्रेजेंटेशन, रिपीटेशन, तो आपको पता होना चाहिए जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्लासरूम में सबसे पहले बच्चे के सामने उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, देन प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं एग्जाम में, ओके। ये सेवन टाइप ऑफ क्या थे, स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, अब आपको एलपीज पता चल गए, पाठ योजना क्या होता है,
प्रिपेयर करने के लिए एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि किस किस बेस्ड पे आपको अपना पाठ योजना तैयार करनी है. उसके बाद पाठ योजना यानी कि एलपीज के हमने स्टेप रेडी कर लिए कि किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखकर हमें मतलब एलपी अपना तैयार करना है पाठ योजना क्लासरूम के लिए. ओके, अब बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है एलपीज़ के, यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लेते हैं. पहली बात आती है मेरिट्स की. जो एलपी है, अब आप समझ ही रहे हो, जब इतनी चीज़ें स्टेप्स बताए हैं मैंने आपको, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, एलपी बनाने के बेनिफिट्स क्या होंगे. पहला बेनिफिट तो यही है कि आपके लिए टाइम सेविंग है. अगर आप एज अ टीचर पहले से ही कोई चीज़ प्री प्लान करके चलते हो तो वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि आपको पता है कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, उससे रिलेटेड टेक्निक्स क्या यूज़ करनी है, मेथड्स क्या यूज़ करने हैं, ठीक है, और क्लासरूम में कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज़ को. तो वो क्या है, उस टाइम पे आपको सोचने के लिए टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आप वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों के सामने प्रेजेंट करते जाओगे और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे. लेकिन अगर आप पहले से ही कोई चीज़ प्री प्लान नहीं करते हो, क्लासरूम में गए, आपने सोचा चला आज पोल्यूशन पढ़ा देता हूँ, ठीक है, उठाया पोल्यूशन पढ़ा दिया, तब क्या होगा, ऑन द स्पॉट ना आपको मेथड्स याद आएंगे कि किस किस थ्रू मैं पढ़ा सकता हूँ और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकता हूँ. एकदम से तो आप चार्ट नहीं लेकर आओगे पोल्यूशन से रिलेटेड, एकदम से क्लासरूम के अंदर आप जो स्लाइड्स आपको अरेंज करनी है, अपनी क्लासरूम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है, तो वो चीज़ें अरेंज नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए क्लासरूम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों की नॉलेज को परमानेंट करने के लिए आपको लेसन प्लान की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एलपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, पहला बेनिफिट. दूसरा बेनिफिट है कि टीचर को अपनी टेक्निक्स और अपने मेथड्स के बारे में जानकारी होती है. टीचर को पता होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ और क्या क्या चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती हूँ. थर्ड पॉइंट, टीचर को पता होती है, मतलब एलपी का क्या यूज़ है, टीचर को ये पता होता है कि अगर मैं एलपी जो मतलब सेट कर रही हूँ उसके जो जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसके थ्रू मैं बच्चों में कहाँ पे चेंजेस ला सकती हूँ, कहाँ पे चेंजेस नहीं ला सकती हूँ. और दूसरी बात ये भी है, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर टीचर को कोई कमी लगती है कि हाँ ये चीज़ की कमी है, तो वो उसको पहले से प्री प्लान करके अरेंज कर सकती है. उसके पास इतना टाइम होता है कि वो प्री प्लान के द्वारा मतलब अपना पाठ योजना तैयार करते टाइम उस चीज़ को अरेंज कर ले, अगर वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं भी है तो, ठीक है. और उसके बाद एक और पॉइंट है कि इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बच्चों के लिए हम एलपी यूज़ कर सकते हैं. ओके, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या है, हम एलपी यूज़ कर सकते हैं. बच्चों का इंटरेस्ट कैसे आप डेवलप करेंगे, कि अगर आप एलपी बना रहे हो, पहले से ही पाठ योजना तैयार कर रहे हो, तो उसके अंदर आप जब टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ करोगे, स्किल्स यूज़ करोगे, तो आप ट्राई करोगे कि बच्चे के लिए एक इफ़ेक्टिव लर्निंग हो या बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है. ओके, अब मैं बात करते हैं डीमेरिट्स की, कि पाठ योजना के डीमेरिट्स क्या हैं. डीमेरिट पहला यही है कि अगर पाठ योजना आपको तैयार करनी है, तो कुछ टीचर्स ऐसी होती है कि वो सभी जो स्टेप्स होते हैं उनको एक प्रॉपर वे में बच्चों के लिए प्रेजेंट नहीं कर पाती है. मान लीजिए कोई टीचर है, उसने प्रिपरेशन कर ली कि आज मुझे पोल्यूशन पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए और बाकी चीज़ें कर भी दी, मतलब क्लासरूम के अंदर प्रेजेंटेशन कर दी अपना सब्जेक्ट, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो, जो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे वो अचीव ना हो पाए हों, वहाँ पे आपकी लर्निंग में कोई कमी रह गई हो, जो आपने उससे रिलेटेड मेथड और टेक्निक्स यूज़ किए थे, स्लाइड्स यूज़ की थी, उसमें कोई कमी रह गई हो, एक बोरिंग क्लासरूम टीचिंग हो गई हो, ठीक है, वो इसके डीमेरिट्स हैं. लेसन प्लान्स के ज़्यादा डीमेरिट्स नहीं हैं, तो बेसिकली मैंने आपके साथ ऐसे ही डिस्कस कर लिया, ज़्यादातर इसके बेनिफिट्स हैं. इसीलिए हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर लेसन प्लान कंपलसरी है, और जब आपने अपनी ट्रेनिंग करी होगी, जब भी आप बीएड डाइट वगैरह कर रहे होंगे, तो प्यूपल स्टूडेंट टीचर होने के नाते आपने अपने पाठ योजना तैयार करी होगी, लेसन प्लान्स रेडी कर रहे होंगे, तो क्लासरूम टीचिंग के लिए आपको पता है कि आपका एक ऑब्जर्वर होता है, जब आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे होते हो, आपको ऑब्जर्व करता है कि आप कहाँ
कहाँ चीज़ें आपने क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट करी, और लास्ट में जब वो आपको इवेल्युएट करता है तो वहाँ पे बताता है कि ये चीज़ की कमी थी, ताकि आप जब नेक्स्ट एल पीज रेडी करो तो उसमें ये चीज़ें कमी जो आपकी हैं उसको रिमूव कर सको, इरेज कर सको, ठीक है। लेकिन अगर आपका KVS में सिलेक्शन हो जाता है या एज अ टीचर आप कहीं क्लासरूम में प्रेजेंट हो रहे हो, तो आपके लिए कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा वहाँ पे आपको अपनी कमी बताने के लिए। आपको वहाँ पे अपना जो पाठ योजना या LPs रेडी करोगे वहाँ पे आपको खुद को इवेल्युएट करना है कि आपको अपने आप को कितने अच्छे इफेक्टिव तरीके से अपनी टीचिंग करनी है या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके यूज़ के लिए आपको ये लेसन प्लान वहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में सिखाया जाता है, और इसलिए मैंने भी अब डिस्कस कर लिया आपके साथ, ठीक है। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा यूनिट प्लान यानी कि इकाई योजना, ठीक है। अभी हमने पाठ योजना तैयार कर ली थी, अपनी पाठ योजना के बारे में बात कर लिए थे, अब बात कर लेते हैं इकाई योजना क्या होती है यानी कि यूनिट प्लान्स क्या होते हैं आपके। देखिए, यूनिट प्लान से आप एक चीज़ समझ रहे हो कि उसके अंदर इकाइयाँ होंगी, यूनिट्स होंगी छोटी छोटी। जो आपका लेसन प्लान होता है ना, पाठ योजना जो होता है, वो यूनिट प्लान का एक पार्ट है। मतलब ये आपका यूनिट प्लान हो गया, इसके अंदर LP आते हैं, ठीक है। तो मतलब जो आपका यूनिट प्लान है उसके अंदर कई लेसन प्लान्स हो सकते हैं, यूनिट प्लान के अंदर कई सारे लेसन प्लान्स हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं कि मान लीजिए आप एक कोई भी टॉपिक है, जैसे मेन आपका टॉपिक क्या होता है कि आपको साइंस पढ़ानी है, मैथ्स पढ़ानी है, हिस्ट्री पढ़ानी है, ज्योग्राफी पढ़ानी है, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो क्या हो गए, वो हो गई आपकी यूनिट, ठीक है। वो क्या हो गया, आपका यूनिट हो गई। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हर यूनिट के लिए आप एक लेसन प्लान रेडी करते हो। हर एक यूनिट के लिए करोगे ना कि आज मुझे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाना है तो ये वाला उसके लिए लेसन प्लान रेडी करोगे, आज मुझे पोल्यूशन पढ़ाना है उसके लिए करोगे, आज मुझे ये पढ़ाना है उससे रिलेटेड इसके लिए। तो यानी कि जो आपका मान लीजिए एक टॉपिक है, मतलब साइंस का आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर 15 लेसन है आपके, तो आप 15 LPs रेडी करोगे, 15 पाठ तैयार करोगे, पाठ योजना, ठीक है। तो यानी कि यूनिट प्लान का क्या हो गया, पार्ट हो गया लेसन प्लान, जिसके अंदर का लेसन, मतलब यूनिट प्लान्स के अंदर क्या है, छोटे छोटे लेसन प्लान्स हर पार्ट के लिए आते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, अगर कोई नया टीचर इसके अंदर आ जाता है, मतलब जिसको लेसन प्लान बनाना आता है और यूनिट प्लान उसको बनाने के लिए दे दिया जाए, तो उसका क्या है, वहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब वहाँ पे उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी उसको, क्योंकि एक यूनिट को मतलब ऑब्जर्व करते हुए, उसको फोकस करते हुए अपना लेसन प्लान रेडी करना है, ठीक है। तो जो हमारा यूनिट प्लान होता है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो कई पीरियड्स में या फिर कई टाइम्स के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करके उसको अलग अलग टाइम पे पढ़ा सकते हैं। जैसे आपका लेसन प्लान होता है ना कि आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया और आधे घंटे में आपको पढ़ा दिया, काम खत्म हो गया, लेकिन यूनिट प्लान्स के अंदर क्या होता है, आप या तो उसके लिए आधा घंटा ले सकते हैं, एक घंटा ले सकते हैं, कई कालांश यानी कि कई पीरियड्स में आप एक ही टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, उसके अंदर कोई टाइम लिमिट आपके लिए नहीं होता है, ठीक है, ओके। और यूनिट प्लान्स के अंदर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो एक्सपीरियंस टीचर्स होती हैं तो वो भी अगर लेसन प्लान उनको आता है तो यूनिट प्लान नहीं कर पाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो यूनिट प्लान नहीं कर पा रही है तो उनको एक्सपीरियंस कम है या नॉलेज नहीं है, लेकिन ये होता है, हो सकता है कि वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग सेट करने में थोड़ा डिफरेंट कर रही हो कि ये वाले टॉपिक्स इतने अकॉर्डिंग कैसे हमें बच्चों के लिए प्री प्लान करने हैं कि बच्चे को समझ आए या सारी टेक्निक्स उनको इस्तेमाल हो सके या बच्चे के सामने हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सके, ये सारी प्रॉब्लम्स टीचर के सामने आती हैं, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये समझ आ गया कि यूनिट प्लान क्या होता है, इकाई योजना, ठीक है। अब स्टेप ऑफ यूनिट प्लान, स्टेप ऑफ UTs यानी कि यूनिट प्लान्स, ठीक है। अब यूनिट प्लान्स के क्या है, सॉरी UP,
तो यूनिट प्लान्स के कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए 9 स्टेप लिखे हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका टॉपिक। टॉपिक मीन्स जैसे आपको मैथ्स पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लीजिए आपको मैथ्स पढ़ाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब टॉपिक, कि टॉपिक आपका हो गया मैथ्स पढ़ाना है। सब टॉपिक क्या है आपका, कि आपको परसेंटेज पढ़ानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप चूज करेंगे क्लास, कि किस क्लास के लिए पढ़ानी है, आपको 8th क्लास के लिए पढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद टाइम, कि परसेंटेज को आप कितने पीरियड में और कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, एक घंटा और आधा घंटे की क्लास में, या उसके लिए और एक्स्ट्राज आपको चाहिए, या पर्टिकुलर यूनिट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं ना, लाइक परसेंटेज से रिलेटेड आप उसको और सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि आपने परसेंटेज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, फिर सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये वो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी टाइम में। फिर आता है टीचिंग एड्स, कि आप कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपकी टीचिंग स्किल, मेथड्स और आपकी एड्स। एड्स होती हैं जो आप टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, ऑडियो होनी चाहिए, विजुअल होनी चाहिए, स्लाइड्स आपको यूज़ करनी है, ऑडियो विजुअल दोनों होनी चाहिए, चार्ट पेपर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ गई आपकी टीचिंग एड्स में, ठीक है। फिर आता है आपका कंटेंट, कि जो आपका कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, उसमें इंटरेस्टिंग क्या होना चाहिए, और बोरिंग चीज़ों को कैसे आपको इफ़ेक्टिव बनाना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है सब यूनिट्स। सब यूनिट्स में क्या करना है, जो भी एक आप कंटेंट पढ़ाने हैं उसको भी सब यूनिट्स में डिवाइड करना है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, या फिर यही ले लीजिए कि आपको परसेंटेज के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। तो परसेंटेज के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके फॉर्मूलेज हो गए, परसेंटेज के बारे में हो गया, और अलग से एग्जांपल हो गया, या वेराइटीज़ हो गई परसेंटेज में, ये तो नहीं है ना कि आपकी एक ही वेराइटीज़ आती है, उसके अंदर भी 36 टाइप की वेराइटीज़ आती हैं। तो आपको क्या हो, वो सब कंटेंट या सब यूनिट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, कि एक वाली वेराइटी समझा दी परसेंटेज से रिलेटेड, उसके साथ के एग्जाम्पल समझा दिए, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ वेराइटी समझा दी, उसके टाइप के एग्जाम्पल्स आपने समझा दिए, ठीक है। सब यूनिट्स में आपको डिवाइड करना है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं, कि जो भी आप यूनिट्स पढ़ाएंगे, सब यूनिट्स पढ़ाएंगे यूनिट प्लान से रिलेटेड, तो बच्चे उससे क्या क्या अचीव कर लेंगे, डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं, उनको कंटेंट की कितनी नॉलेज होगी, कितनी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है एनालाइज और लेसन प्लान। अब यहाँ पे लेसन प्लान क्यों दिया है, लेसन प्लान तो अलग चीज़ है आप सोच रहे होंगे, बट मैंने आपको बताया कि यूनिट प्लान का एक पार्ट होता है आपका एलपी, ठीक है। तो आपको ये सारे स्टेप्स जब हमने एलपी पढ़े थे, तो एलपी के अंदर फर्स्ट पॉइंट मेरा था प्रिपरेशन, कि आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करना। तो तैयारी किस वे में करना है, इस वे में करना है कि क्लास कौन सी है, कौन सा आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक क्या है, क्लास कौन सी है, कितना टाइम पीरियड ले रहे हैं, या टीचिंग स्किल्स क्या हैं, सब कंटेंट सब टॉपिक्स क्या हैं, और लास्ट में एनालाइज और लेसन प्लान, यानी कि आप एनालाइज करेंगे और उसको लेसन प्लान में कन्वर्ट करके देन अपनी क्लासरूम के अंदर प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। तो एनालाइज कैसे करेंगे आप, ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, कि वो बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है यूनिट्स या नहीं है। अगर है तो आप उसको लेसन प्लान में कन्वर्ट करके टीचिंग करेंगे, और नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई करके लेसन प्लान में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये था हमारा यूनिट प्लान, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो इसीलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी भी समझा दिया, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इसके ये 9 पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, टॉपिक सब टॉपिक, क्लास, टाइम, टीचिंग एड्स, कंटेंट, सब यूनिट्स, ऑब्जेक्टिव और एनालाइज, एंड देन आपका लेसन प्लान, ठीक है।
अब उसके बाद थर्ड टाइप है हमारा ईयर प्लान, यानी कि वार्षिक योजना. देखो लेसन प्लान होता है पाठ योजना, उसके बाद यूनिट प्लान होता है आपका कि सब यूनिट्स आपको कैसे रेडी करनी है, देन उसके लिए एक लेसन प्लान रेडी करना है. ठीक है, अब आपका ईयरली जो आपका वार्षिक योजना होती है वो होता है कि आप पूरे साल के लिए कैसे योजना बनाते हो. अभी जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस चलता है टीचिंग लर्निंग में, वहाँ पे क्या होता है ईयरली प्लान्स भी होते हैं, आपके लेसन प्लान्स भी बनाए जाते हैं और यूनिट प्लान्स भी होते हैं. ठीक है, तो आपके जो ईयरली प्लान्स होते हैं वो पूरे साल के लिए होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं, सेमेस्टर वाइज. कि आपके को एक बुक दे दी गई है मैथ्स की, जिसके अंदर 15 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं, आप 6 क्लास में हो, तो पूरे साल में आपको ये पूरी बुक आनी चाहिए. आपके वो ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं कि इस बिहेवियर में आपके चेंज आने चाहिए, आपको परसेंटेज आने चाहिए, प्रॉफिट लॉस आना चाहिए इस एज में, जितने भी बुक के अंदर टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो सारे आपको आने चाहिए. वो होते हैं हमारे ईयर प्लान्स. ठीक है, जो हम पूरे साल के लिए प्लान करते हैं. ठीक है, इसके कोई स्टेप्स और वो नहीं है, मतलब बेसिकली मैं इसको ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ ईयर प्लान्स को. और ईयर प्लान्स के बारे में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपके पाठ योजना से आते हैं, लेसन प्लान और यूनिट प्लान से भी पूछ लेते हैं. आपके यूनिट प्लान से बेसिकली आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि यूनिट प्लान्स क्या होती है. और मान लीजिए अगर आपको कोई मतलब ये दे दिया ऐसे कि आप 7th क्लास में अपना मैथ्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको यूनिट प्लान्स में कन्वर्ट करके क्या चीज़ अचीव करने की कोशिश करोगे, क्या चीज़ कैसे पढ़ाओगे. ठीक है, इतना ही आता है, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं आएगा, बट आपके लेसन प्लान से बहुत कुछ आएगा, उसके ऑब्जेक्टिव, डीमेरिट्स और स्टेप में से और बाकी सभी चीज़ों में से उसमें से पूछ सकते हैं. ठीक है, और आपका जो ईयरली प्लान होते हैं, मैंने वो बता दिया कि आपको वार्षिक यानी कि आपके ईयरली के लिए प्लान किए जाते हैं पूरे साल के लिए, कि आपकी पूरी साल की अचीवमेंट्स क्या रही, एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या रहे, और आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट्स थे हमारे, जिस क्लास के लिए आप 6th क्लास में हो, तो 7th क्लास में जाने के लिए आप लायक हो या नहीं हो, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो जो सेट किए गए थे वो आपने अचीव किए या नहीं किए. ठीक है, तो ये सारा समझ आ गया, इसके अंदर हमारे प्लान्स भी कंप्लीट हो गए. अब जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. तो ये वाला चैप्टर भी काफ़ी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं था प्लान्स का, तो मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ा दिया. और आपको भी पता है ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास KVS के लिए, आपको प्रिपरेशन भी करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है और रिवीजन भी करनी है. तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपको कम टाइम में और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ. ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. और जो नॉन टेक्निकल पार्ट आप PGT कंप्यूटर साइंस के लिए लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं. ठीक है.